और चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है फ्रांस से, क्योंकि 5 राफेल लड़ाकू विमान अब यहां से उड़ान भर चुके हैं। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल होगा राफेल, जिसके लिए फ्रांस से इन विमानों ने उड़ान भर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई में एक बार रुकेंगे ये राफेल विमान और उसके बाद 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर ये पहुंचेंगे, यानी बुधवार के दिन अंबाला एयरबेस पर ये पहुंचेंगे। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भर दी है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारी संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। कविता, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भर दी है भारत के लिए और 29 जुलाई को ये अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे, और ज्यादा क्या जानकारी आप हमें दे पाएंगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले, करीब 1.25 घंटा पहले जो है, राफेल विमानों ने फ्रांस का जो बॉर्डोक्स में जो एयरबेस है वहां से उड़ान भरी है। और वहां पर उन्हें जो भारत के फ्रांस में राजदूत हैं, उन्होंने एक तरीके से, जो 5वां पायलट हैं एयरफोर्स के जो इन विमानों को उड़ाकर लेके आ रहे हैं, उन्हें एक तरीके से बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं और उनकी यात्रा शुभ हो इसकी उन्होंने कामना की है। तो एक तरीके से रफाल की जो औपचारिक उड़ान है भारत के लिए वो शुरू हो गई है 5वां रफाल विमानों की। और ये कहा जा रहा है कि 29 जुलाई को ये अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे और इनकी जो औपचारिक तैनाती है उसका जो कार्यक्रम है वो अगले महीने 20 अगस्त को जो है अंबाला एयरबेस पर होगा, ये एयरपोर्ट की तरफ से अब साफ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ से ये जानकारी भी अभी आ रही है फ्रांस से कि ये जो रफाल विमान हैं ये अभी 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो फ्रांस से भारत पहुंचने तक के लिए इनको जो है दूरी तय करनी होगी 7000 किलोमीटर की, क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है इसलिए। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि 2 बार इनको जो है हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा इन विमानों में। एक बार तो फ्रांस की सीमा के अंदर जो फ्रांस के जो मिड एयर रिफ्यूलर विमान है जो हवा में ईंधन भरते हैं वो इनमें जो है ईंधन भरेंगे, और जैसे ही ये फ्रांस की जो हवाई सीमा है उससे बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करने लगेंगे तो भारत के जो ईंधन भरने वाले विमान है वायुसेना के वो इनमें जो है रिफ्यूलिंग करेंगे, इन्हें ईंधन देंगे। उसके बीच में ये एक बार जो है यूएई में ये रुकेंगे, वहां पर कुछ क्लियरेंसेज होंगी और एक बार जो स्टॉप ओवर है इनको वहां पर दिया जाएगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना क्योंकि अभी चल रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ देर इनको वहां पर क्वारंटीन में भी पायलट्स को रखा जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका कविता इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। तो 5 लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर दी है, 29 जुलाई तक ये भारत पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि 29 जुलाई सुबह ये अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे और जो स्टॉपेज होगा वो होगा यूएई में। तो भारत की जो वायु ताकत है, या यूं कह लीजिए कि वायुसेना की जो ताकत है, अब उसमें और ज़्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट अब भारत को मिल चुका है। भारत की 36 विमानों की डील हुई है, यानी कि 36 राफेल विमानों की डील फ्रांस के साथ भारत की हुई है, जिसमें 59,000 करोड़ रुपए भारत की ओर से खर्च किए गए हैं। और इसकी जो पहली खेप है वो 29 जुलाई को भारत पहुंचेगी। हालांकि पहली खेप में 10 विमान भारत पहुंचने थे, लेकिन क्योंकि अभी कुछ विमान ऐसे हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं और इसीलिए सिर्फ 5 विमान अभी लैंड कर पाएंगे 29 जुलाई तक।